तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2024 में आने वाली 8 बेहतरीन हॉरर फिल्मों के बारे में, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर की फिल्म है राजा सांप। यह साउथ की एक बड़ी हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसके डायरेक्टर मारुति हैं। इस फिल्म के लीड रोल में साउथ सुपरस्टार प्रभास और संजय दत्त नजर आएंगे। हर बार आप सभी ने प्रभास को सिर्फ एक्शन करते देखा है, लेकिन इस फिल्म में प्रभास कॉमेडी करते भी आप सभी को नजर आएंगे। यह फिल्म जितना हॉरर होगा उतना ही कॉमेडी होगा। इस फिल्म को दिसंबर 2024 में रिलीज किया जाएगा। दूसरे नंबर की फिल्म है मुंजा। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसके डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार हैं। स्त्री रूही भेड़िया मुंजा का ही पार्ट है। इस फिल्म में हमें स्त्री फिल्म के पहले की कहानी देखने को मिलेगी कि आखिरकार ये औरत कौन थी जिसने स्त्री के बालों को अपने बालों में लगा लिया था। इस फिल्म के लीड रोल में अभि वर्मा, सरवारी बाग और मोना सिंह नजर आएंगी और इस फिल्म को 29 मार्च 2024 में रिलीज किया जाएगा। तीसरे नंबर की फिल्म है तुम्बाड़ 2। तुम्बाड़ 2 2018 में आई हॉरर फिल्म तुम्बाड़ का सीक्वल होने वाला है। दोस्तों 2018 में जब इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था, तब इस फिल्म को किसी ने भी नहीं देखा था, जिसके कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। लेकिन जब इसे OTT पर रिलीज किया गया था, तब काफ़ी लोगों ने इस फिल्म को देखा और सभी लोगों को यह फिल्म काफ़ी पसंद आई थी। वहीं अब फिल्म मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया है और इस फिल्म को 2025 के लास्ट तक रिलीज किया जाएगा। चौथे नंबर की फिल्म है स्त्री 2। स्त्री 2 स्त्री फ्रेंचाइजी का दूसरा पार्ट होने वाला है, जिसके लीड रोल में आप सभी को राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी नजर आएंगे। इस फिल्म डायरेक्टर अमर कौशिक हैं और इस फिल्म की बजट 50 करोड़ रुपए होने वाली है। वहीं इस फिल्म को 30 अगस्त 2024 में रिलीज किया जाएगा। पांचवें नंबर की फिल्म है भूल भुलैया 3। भूल भुलैया 3 भूल भुलैया फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है। इस फिल्म का दोनों पार्ट पब्लिक को काफ़ी पसंद आया था। पार्ट 2 के ब्लॉकबस्टर के बाद पार्ट 3 का अनाउंसमेंट तुरंत कर दिया गया था। इस फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन, कायरा अडवाणी, राजपाल यादव नजर आएंगे। इस फिल्म में विद्या बालन, मंजुलिका किरदार नजर आ सकती हैं और इस फिल्म में आप सभी को अक्षय कुमार का कैमियो भी देखने को मिल सकता है। इस फिल्म को 2024 में दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा। छह नंबर की फिल्म है वैम्पायर ऑफ विजयनगर। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसके लीड रोल में आयुष्मान खुराना और सामंता प्रभु नजर आएंगी। जहां आयुष्मान खुराना एक वैम्पायर के रोल में दिखेंगे, वहीं सामंता राजकुमारी के किरदार में नजर आएंगी और इस फिल्म को 2025 में रिलीज किया जाएगा। सातवें नंबर की फिल्म है अद्भुत। यह एक हॉरर ड्रामा फिल्म है, जिसके डायरेक्टर सबीर खान है, जिसने टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती को बनाया था। इस फिल्म के लीड रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रोहन मेहरा, डायना पेंटी नजर आएंगी। इस फिल्म का अनाउंसमेंट काफ़ी समय पहले कर दिया गया था। वहीं अब इस फिल्म को दिसंबर 2024 में रिलीज किया जाएगा। आठवें नंबर की फिल्म है द वर्जिन ट्री। यह एक आने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसके लीड रोल में संजय दत्त, मौनी रॉय, पलक तिवारी नजर आएंगे। संजय दत्त इस फिल्म के अंदर भूत का रोल प्ले करते आप सभी को दिखेंगे। इस फिल्म की कहानी कॉलेज पर बेस्ड होगी। इस फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ कुमार सचदेव हैं और इस फिल्म को 2024 में रिलीज किया जाएगा। तो ये रही 2024 में आने वाली 8 बेहतरीन हॉरर फिल्म। तो आप सभी कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद।